देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। 15-16 जून के दरमियानी रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई। इस घटना में 20 भारतीय सैनिक मारे गए। चीनी सैनिक भी हताहत हुए, हालांकि चीन ने अपने नुकसान का ब्यौरा नहीं दिया। तब से लेकर आज तक दोनों पक्ष तनाव को कम करने की कोशिशों में जुटे हैं और अब इसमें कुछ कामयाबी मिलती दिख रही है। भारत चीन सीमा विवाद पर नजर रख रहे अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि सीमा पर तनातनी को कम करने की प्रक्रिया सोमवार सुबह से शुरू हो गई। बताया गया है कि बिल्कुल आमने सामने आ गए सैनिक अब वैसी स्थिति में नहीं है जिसे पहले आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन कहा जा रहा था, लेकिन तनातनी कम करने का काम अब भी सीमित स्तर पर ही हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ये काम 3 जगहों पर चल रहा है। ये जगह हैं गलवान, गोगारा और हॉट स्प्रिंग्स। बीबीसी को जानकारी देने वाले अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वो देपसांग या पैंगोंगसो झील की बात नहीं कर रहे हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि तंबू और अस्थायी ढांचे दोनों तरफ से हटाए जा रहे हैं और सैनिक पीछे हट रहे हैं, लेकिन इसका मतलब वापसी या प्रकरण का अंत नहीं है। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि इन गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है, जिसके लिए सैटेलाइट तस्वीरों और ऊंचे प्लेटफॉर्म्स की मदद ली जा रही है। कई मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि चीनी सैनिक कितने पीछे हटे हैं। इस सवाल के जवाब में अधिकारी ने कोई दूरी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने इतना ही कहा, ये उस प्रक्रिया की शुरुआत है जो 30 जून को चुशूल में दोनों पक्षों के कमांडरों की बैठक के बाद तय की गई थी। भारत और चीन के बीच इस समय रिश्ते काफी तल्ख दौर से गुजर रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे पर उकसावे की कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की आपस में बातचीत भी हुई है, ताकि दोनों देशों के बीच सीमावर्ती इलाकों में बने तनाव को कुछ कम किया जा सके। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीन के स्टेट काउंसलर और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स वांग यी के बीच 5 जुलाई को ये बातचीत हुई। दोनों पक्षों के बीच भारत और चीन के सीमावर्ती इलाकों के पश्चिमी सेक्टर में होने वाले हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों का ये मानना है कि सीमा से जुड़े मतभेद विवादों में ना बदल पाए और जो तनाव वहां पर पैदा हुआ है उसे कम करने के लिए जल्द से जल्द कोशिशें की जाएं। इसी सिलसिले में दोनों पक्ष के सैनिकों के पीछे हटने और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को सुचारू रूप से तेज रफ्तार देने की बातचीत भी हुई है। दोनों पक्षों का मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान किया जाना चाहिए और कोई भी एक तरफा कार्रवाई करने से बचा जाना चाहिए। दोनों प्रतिनिधियों में इस बात को लेकर भी सहमति बनी है कि दोनों तरफ के कूटनीतिक और सैन्य अधिकारी एक दूसरे से बातचीत जारी रखेंगे, ताकि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके और भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की घटना से बचा जा सके। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर।